बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को जल्द ही रिहाई मिल सकती है। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के 12 दिन बाद रिलीज ऑर्डर जारी हो गया। रांची के बिरसा केंद्रीय कारागार होटवार के जेल अधीक्षक हामिद अंसारी ने गुरुवार को रिलीज ऑर्डर की कॉपी ईमेल से दिल्ली एम्स के डायरेक्टर को भेज दी। डायरेक्टर ने इसे मंजूर कर लिया है, जिसमें लिखा है कि लालू प्रसाद अब हमारे कैदी नहीं रहे। इसकी कॉपी रांची एसएसपी को भी भेजी गई है। दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद 18 मार्च 2018 से ही सजा काट रहे हैं। लालू प्रसाद को हाईकोर्ट ने 17 अप्रैल को ही जमानत दे दी थी, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण स्टेट बार काउंसिल ने वकीलों के कोर्ट में आने पर रोक लगाई रखी थी। 28 अप्रैल को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने आदेश जारी किया कि उन्हें ऊपरी अदालत ने जमानत दे दी है। तो लालू यादव की रिहाई का रास्ता अब साफ हो गया है। जमानत मिलने के बाद अब उन्हें जेल नहीं जाना होगा। फिलहाल तो इलाजरत है लालू यादव। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमर हमारे साथ जुड़े हुए। अमर, लालू यादव की रिहाई का साफ हो गया रास्ता, बेल बॉन्ड भी भरा जा चुका है, स्वीकृति मिल गई है, कब तक लालू यादव बाहर आएंगे? हालांकि फिलहाल तो इलाजरत हैं, क्या आगे और कुछ जानकारी मिल पा रही? अभी वहां इलाज कराते रहेंगे? बिल्कुल, देखिए कल उनकी बेटी, जो बड़ी बेटी है मीसा भारती, से हमारी बात हुई थी फोन पे, तो उन्होंने कहा था कि लालू प्रसाद यादव का जो जेल, जो बेल है, उसकी प्रक्रिया पूरी हो गई है और उसके बाद वो इलाज पर एम्स में एडमिट हैं, जो दिल्ली में, और फिलहाल वो यहाँ पर रहेंगे क्योंकि अभी बाहर जाने का स्थिति नहीं है, क्योंकि एक तो कोरोना के वजह से और दूसरा उनका जो इंटरनल इंजोर है, इंटरनल जो बीमारी है उनका, उनको भी देखते हुए वो अभी फिलहाल एम्स में रहना चाहते हैं और इलाज करवाना चाहते हैं। तो जो जेल का या जो जो कोर्ट का जो प्रोसेस है, जो सीबीआई का जो प्रोसेस था, वो कंप्लीट कर लिया गया है, लेकिन फिलहाल वो अपनी मर्जी से एम्स में वो इलाज करवाएंगे। जब भी बाहर होगा, क्योंकि उनकी बेटी का कहना है कि जब भी वो बाहर निकलेंगे या फिर यहाँ से हॉस्पिटल से बाहर जाएंगे, तो वो सारी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। फिलहाल वो इलाज करा रहे हैं दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में और कहा जा रहा है कि उनके स्वास्थ्य जो है थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट है और ठीक हो रहे हैं, और क्योंकि अभी स्थिति बाहर निकलने का नहीं है, क्योंकि कोरोना का जो कहर है वो दिल्ली में या फिर पूरे इंडिया में उनका जारी है, इस वजह से वो थोड़ा वेट करेंगे और वेट करने के बाद जब सही तरीके से वह स्वस्थ हो जाएंगे तब वो बाहर निकल रहे हैं, उनकी बेटी का ये कहना था। चलिए, तो फिलहाल अभी इलाज कराते रहेंगे लालू यादव दिल्ली में। लेकिन अमर, एक और मामला चारा घोटाले का चल रहा है, जिसमें सजा आनी बाकी है, उस पर फैसला अभी बाकी है, तो क्या लालू यादव की ये जो राहत है कुछ दिनों की, हम माने, उस पर क्या फैसला आता है, ये भी देखने वाली बात होगी? यानी मुश्किलें अभी हैं, लालू के लिए खत्म हुई ऐसा हम नहीं कह सकते। बिल्कुल, देखिए जिन केसेस में उनके ऊपर, कई केसेस में उनको चार्ज हुआ है और वो सजा काट रहे हैं, और आपने देखा कि इससे पहले भी उन्होंने जमानत लिया था जिस पर सज़ा उनको हुआ था, उसके बाद ये दूसरा, इनके बाद फिर उन्होंने जमानत ली, लेकिन जो प्रक्रिया है वो पूरा कर लिया गया। अब जो सुनवाई है और जो अदालत में पेंडिंग है उनका, और उस सुनवाई के बाद क्या अदालत का डिसीजन होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो डिसीजन पहले आ जाता है उनके बाहर निकलने से पहले, तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती है, या उनको सज़ा दे दी जाती है तो भी उनके लिए मुश्किलें हो सकती है। ये तमाम चीज़ें हैं जो अदालत के फैसले के ऊपर डिपेंड करेगा। फिलहाल उनको ये कह सकती हैं कि उनको बेल मिल गया है और वो बाहर जा सकते हैं, जो जेल का डेकोरम है वो उन्होंने पूरा कर लिया है, उसके बाद एम्स में इलाज के लिए है और इलाज के बाद वो बाहर निकलेंगे, और क्योंकि कोरोना का जो कहर है, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, दिल्ली हो, पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से वो फैलता जा रहा है, उससे हर कोई हॉस्पिटल में रहना चाहता है, अपना इलाज करवाना चाहता है और बचना चाहता है लोगों से, सोशल डिस्टेंस बनाना चाहता है और दवाई और जो सही तरीके से उनको है वो करने चली। रही बात जो अदालत के फैसले होंगे, उस फैसले को सबको माननी होगा, चाहे लालू प्रसाद यादव हो और चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जो कानून है, कानून अपना काम करेगा, और उसके बाद अगर ये बीच में ही फैसला आ जाता है तो उनके लिए एक मुश्किलें और बढ़ सकती है।
अमर, अब लालू यादव जब जेल से रिहा हो गए हैं, अब जेल में नहीं है भले वो दिल्ली में इलाज करा रहे हैं, ये बिहार की राजनीति में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है? क्योंकि लालू की अनुपस्थिति में ही बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, बहुत टक्कर दी तेजस्वी ने, बहुत नजदीकी टक्कर दी। अब बिहार की राजनीति में क्या असर दिखता है, क्या जो विपक्ष की धार है उसमें और तेजी दिखेगी? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि लालू प्रसाद यादव बाहर जाएंगे या फिर बिहार चले जाएंगे तो विपक्ष की राजनीतिक तेज हो जाएगी। आपने देखा होगा चुनाव, बिहार चुनाव को आपने देखा होगा बड़ी नज़दीकी से। जब बिहार चुनाव जब हो रहे थे तो उसमें आपने देखा कि लालू प्रसाद यादव के पोस्टर भी नहीं लगाए गए थे, और जहाँ जहाँ भी उनके पोस्टर लगाए गए थे उनको हटा दिया गया था, क्योंकि लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता हैं, उनको सजा दी गई है, और उसके बाद वो चाहे आरजेडी हो या फिर उनके तमाम जो लीडर्स हैं वो नहीं चाहते हैं कि लालू प्रसाद का जो छवि है और उस पर इस पार्टी के ऊपर पड़े। भले ही लोग उनको चाहने वाले हैं, जो उनको उन्होंने उनसे मदद किया हुआ या फिर आप कह सकते हैं उनसे जिनको फ़ायदा हुआ होगा वो चाहने वाले लोग हैं, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि लालू प्रसाद यादव को बिहार के चुनाव में उनके पोस्टर तक नहीं लगाए गए थे, किसी भी चुनाव में किसी भी प्रचार में उनका नाम तक नहीं लिया गया था, तो ये अवॉइड किया गया था उस चुनाव में। हो सकता है कि उसी का नतीजा हो, लेकिन अगर इससे पहले की चुनाव की अगर बात करें, 2015 चुनाव में की बात अगर करें, क्योंकि 2015 में नीतीश कुमार का एक छवि था और नीतीश कुमार के साथ लालू प्रसाद यादव गए थे और वो जीत नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों का मिली जीत थी। अब सवाल उठता है कि अगर बिहार के चुनाव में 2020 में अगर लालू प्रसाद यादव से उन्हें अगर गुरेज था और उनके छवि को लेकर के वो लगातार ये चाहते थे कि पोस्टर ना लगाया जाए और इनके नाम ना लिया जाए जिससे उनको फ़ायदा हुआ, तो हो सकता है कि लालू प्रसाद यादव जो है बैकफुट पे ही रहें। लेकिन जो एक रणनीति है वो कह सकती हैं कि रणनीति बनाने में वो माहिर हैं, रणनीति बना सकते हैं और सरकार के खिलाफ वो आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। क्योंकि पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें तो जिस तरह से लालू प्रसाद यादव नीतीश को घेरते रहे, उतने तेजी से या उतने आक्रामक ढंग से भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने नहीं घेरा है। तो सवाल जो भी हो, अब देखना यह है कि जब बाहर निकलेंगे तो क्या बिहार की राजनीति में कुछ उठापटक देखने को मिलेगा। चलिए, इंतजार यही है कि क्या बिहार की राजनीति में उठापटक होगा लालू यादव के बाहर निकलने के बाद, क्या वही तेवर रहेगा? क्योंकि लालू बहुत दिनों से जेल में है, तबीयत उनकी नासाज है, सेहत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, तो ऐसे में अब लालू का क्या वही अंदाज देखने को मिलेगा, इसका बेसब्री से उनके प्रशंसक भी इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस तमाम जानकारी के लिए। तो लालू यादव की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है और लालू यादव फिलहाल उनकी बेटी मीसा भारती से बात की हमारे सहयोगी ने, अमर ने, और उन्होंने बताया कि फिलहाल अभी लालू यादव की सेहत उतनी स्वस्थ नहीं है, लालू यादव एम्स में ही इलाज कराते रहेंगे। लेकिन एक बड़ी राहत वाली खबर, काफी लंबे अरसे से कोशिश की जा रही थी कि लालू यादव को जमानत मिल सके, अब जमानत मिल गई, तमाम जो कागजी प्रक्रियाएं हैं वो पूरी कर ली गई हैं।